वज़ीर-ए-आला सिंध ने साहली पट्टी का दौरा किया। मुराद अली शाह ने सजावल, खट्टा और बदीन का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी और DGPDMA भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आला सिंध के तूफ़ान के पेश नज़र इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तूफ़ान से मुतालिक हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। साहली पट्टी मुतासर होने का खदशा है। तूफ़ान से कराची का साहिल भी मुतासर हो सकता है। शहर की 70 मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया है। बिल बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5-स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है, वहाँ पूरे साहिल पे पब्लिसाइज किया है मसाजिद और रेडियो के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कि आपने इवैक्यूएट करना है। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा और हवाएं तेज चलेंगी। हवाएं 70 किलोमीटर कह रहे हैं कि हो सकती है। 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है।